आज मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने हमारी ये कुल मिलाकर पांचवी वार्ता, मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ दूसरी वार्ता थी। पहली वार्ता में हमें 10-15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन आज जो वार्ता हुई उसमें हमने विस्तृत तौर पर सारी चीज़ें रखी, चाहे वो SATC की, चाहे फौजी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्प्रूव हुई है वो हो, तो वो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसीलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी आज हमने। हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज़ वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोदी, एक तो डिमांड हमारी ये कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 3500, उसको शब्द दे रखा था, लेकिन उसके पहले क्या है, कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोदी ने और वहाँ पर जो अधिकारी गण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री मोदी जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज़ है 21700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री मोदी कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2IS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे कि एक पद की पोस्ट के अंदर जो जो विभिन्न समस्याएं हैं 114 डिपार्टमेंट की, वो अलग अलग हमने जब बतानी शुरू की तो मुख्यमंत्री मोदी भी बोले ये तो अलग डिपार्टमेंट की समस्या, वो अलग समस्या है, कभी वो कॉमन कैडर की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का समाधान हमने कहा कि ये इस प्रकार से हो सकता है।